नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहलक्ष्मी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ वास्तु टिप्स। बुरे सपनों का समाधान है ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये रंग बिरंगे पंखों से बेहतरीन पैटर्न में बने होते हैं। ड्रीम कैचर का संबंध बताऊंगी मैं आज आपको। माना जाता है कि ड्रीम कैचर का संबंध नेटिव अमेरिकन से है। ये लोग अपने बच्चे को बुरे सपने और काले जादू से बचाने के लिए उनके बिस्तर के ऊपर ड्रीम कैचर टांगते थे। वंदन वार और ड्रीम कैचर। जिस तरह वंदन वार और तोरण घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है, उसी प्रकार ड्रीम कैचर भी नेगेटिव एनर्जी से बचाव करता है। कहा जाता है कि ड्रीम कैचर को सामने रख कर उस पर एकाग्र होकर ध्यान करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। बुरे सपने से भी बचाता है ड्रीम कैचर। फेंगशुई के अनुसार अगर आपको बुरे या डरावने सपने आते हैं तो ड्रीम कैचर को बेडरूम में लगाएं, बुरे सपनों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, जानते हैं इसको लगाने की सही दिशा। घर में ड्रीम कैचर को दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। बेडरूम। ड्रीम कैचर को बच्चों के बेडरूम या स्टडी रूम में लगा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी ना लगाएं ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर को घर की रसोई घर और बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए। गलत दिशा। माना जाता है कि ड्रीम कैचर को गलत दिशा में लगाने से आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।